हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बंधन बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022। तो रिसेंटली बंधन बैंक ने अपना फिक्स डिपॉजिट रेट जो है वो चेंज कर दिया है। तो क्या है नया इंटरेस्ट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट करेंटली प्रोवाइड कर रहा है बंधन बैंक अपने कस्टमर को, मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं बंधन बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा न्यू एफडी रेट के बारे में बंधन बैंक का। तो चलिए देख लेते हैं क्या है एफडी रेट। तो हम लोग आ चुके हैं बंधन बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेट एंड चार्जेस। तो पहले मैं आप लोग को सेविंग अकाउंट रेट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं टर्म डिपॉजिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डोमेस्टिक और नॉन रेसिडेंट रूपीज सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट चार्ट विथ इफेक्टिव फ्रॉम सेप्टेम्बर 30, 2022 से इफेक्टिव है। बंधन बैंक सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट अकाउंट टाइप रेट पर एनम, ठीक है। डेली बैलेंस अप टू 1 लाख 3%, 1 लाख टू 10 लाख 6%, 10 लाख टू 2 करोड़ 6.25, 2 करोड़ टू 10 करोड़ 6.25, 10 करोड़ टू 50 करोड़ 6.50, ठीक है। तो ये था इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ पॉइंट दिया गया है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ टर्म डिपॉजिट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को टर्म डिपॉजिट और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिटेल डोमेस्टिक और नॉन रेसिडेंट रुपए टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट चार्ट विद इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 7, 2022 से इफेक्टिव है। मैच्योरिटी बकेट इंटरेस्ट रेट फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस, ठीक है। 7 से 14 डेज 3% फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 3.75, 15 से 30 डेज 3% फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 3.75, 31 से लेस देन 2 मंथ्स 3.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 4.25, 2 मंथ्स टू लेस देन 3 मंथ्स 4.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 5.25, 3 मंथ्स टू लेस देन 6 मंथ्स 4.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 5.25, 6 मंथ टू लेस देन 1 ईयर 4.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 5.25, 1 ईयर टू 599 डेज 7% फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 7.50, 600 डेज का जो है 7.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 8%, 601 डे टू लेस देन 2 ईयर 7% फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 7.50, 2 ईयर टू लेस देन 3 ईयर 7% फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 7.50, 3 ईयर टू लेस देन 5 ईयर 7% फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 7.50, 5 ईयर टू 10 ईयर 5.60 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 6.35। और कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो ये सब आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक कर दिया गया है। अगर आप लोग 1 ईयर के अबव कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग को 7% मिल जा रहा है बंधन बैंक में, और मैक्सिमम जो है 8% का इंटरेस्ट रेट आप लोग को मिल जा रहा है और सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन केस में 7.50, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग बंधन बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो और अच्छा खासा रेट आप लोग पा सकते हो। तो ये था बंधन बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट रेट के बारे में जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम नवंबर 7, 2022 से। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।